एक प्रॉब्लम आती है जो बच्चों के सामने बहुत बड़ी, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, या स्टडी प्लान कैसे किया जाए। प्लानिंग तो दिन भर में एक बार कर ही लेते होगे कि कल से ये करेंगे, अगले दिन से फिर छूट जाता है, फिर एक नई प्लानिंग बनती है, फिर अगले दिन से छूट जाता है। बेसिकली ये जो मैं टिप्स बताने जा रहा हूँ ये उनके लिए है जिनका कोर्स एक बार ख़त्म हो चुका है, जो अभी प्रोसेस में है उनके लिए नहीं है। हम मान लेते हैं एग्ज़ाम के 2 से 3 महीने पहले आपने अपनी क्लासेस क्या कर ली हैं, ख़त्म कर ली हैं, चाहे फर्स्ट ग्रुप, चाहे सेकंड ग्रुप, चाहे दोनों ग्रुप, क्लियर। अब हमें ये नहीं समझ में आता कि सर हम रिवीजन कैसे करें, और रिवीजन का तुम लोग एक से एक नया टेक्निक ईजाद करते हो कि पहले पूरा अकाउंट 10 दिन में पूरा, ना उसमें लॉ रहेगा, ना टैक्स रहेगा, ना कॉस्ट रहेगा, कसम माता रानी की 10 दिन के अंदर हम कंप्लीट कर लेंगे। कसम खाकर बैठ तो गए, 15 दिन लग जाते हैं, उसके बाद ख़त्म नहीं होता, कुछ ना कुछ 19-20 रह जाता है, 2-4 चैप्टर रह जाते हैं, मन भर जाता है 15 दिन के अंदर, 15 दिन क्या 5 दिन के अंदर मन भर जाता है, फिर ढोते हैं केवल, ये भी ख़त्म कर लो, वो भी ख़त्म कर लो, क्योंकि कसम खाई है, 15 दिन गया, उसके बाद थोड़ा मन खुश हुआ, आज से कसम है माता रानी की 10 दिन के अंदर लॉ ख़त्म करेंगे, है कि नहीं। बच्चे ऐसे ही प्लानिंग करते हैं, एक ये प्लानिंग होती है। दूसरी प्लानिंग ये करते हैं, डेली चारों सब्जेक्ट पढ़ेंगे, दूसरी प्लानिंग ये होती है, डेली चारों सब्जेक्ट पढ़ेंगे, सुबह 3 घंटा ये, 2 घंटा ये, 3 घंटा ये, 2 घंटा ये, पहले न्यूमेरिकल, फिर थ्योरी, फिर न्यूमेरिकल, फिर थ्योरी, एकदम प्लान वेल, मतलब प्रिपरेशन हो गई, झंझट खत्म, एग्जाम तक का दिख रहा है पूरा कि एकदम तैयार हो जाएगा, अब तो पास हो जाएंगे। कुछ दिन बाद वो प्लान फेल हो जाता है, क्योंकि 10 घंटा कहाँ कोई पढ़ पाता है, 3 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 2 घंटे, दिखने में तो बड़ा आसान लगता है, सुबह 7 से 10 बैठ जाएंगे, फिर 11 1 घंटा आराम कर लेंगे, फिर 11 से 1 बैठ जाएंगे, फिर 2 घंटा सो लेंगे, फिर 3 से 6 बैठ जाएंगे, फिर रात को 8 से 10 हो तो गया, कितना आसान है, नहीं फिर तो टाइम ही टाइम है, लेकिन वो 10 घंटे भी नहीं हो पाते, 5 घंटे भी पढ़ाई नहीं हो पाते ढंग से, ये प्लान भी चौपट हो जाता है। और कुछ बच्चे पूरा एफर्ट लगा देते हैं, प्लान इस तरह ना करो, अगर हमने 15-15 दिन रख दिया, 15 दिन 10 दिन 15 दिन, बताओ एक बार अगर तुमने अकाउंट्स 15 दिन के अंदर अगर कंप्लीट भी कर लिया तो दोबारा अकाउंट सीधे एग्जाम के दिन अटेंड करोगे, या उसके 3 दिन पहले ही अटेंड कर पाओगे, रिवीजन कहाँ किया तुमने, रिवीजन हुआ कहाँ। और अगर तुमने 3 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 2 घंटे का प्लान रखा है तो वो भी ज़्यादा दिन तक कंटिन्यू नहीं रहता, छूट जाता है, फिर ऑप्शंस पर आ जाते हैं, जैसे हम लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट में MWF TTS पढ़ते थे ना, उसी तरह दो दो सब्जेक्ट डेली पढ़ेंगे, अब ऑप्शंस पर आते हो और उसमें भी एक चैप्टर उठाते हो, पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाता। सबसे पहले एग्ज़ाम के 2 महीने या 3 महीने पहले अगर आप बुक लेते हैं, कोई अगर अकाउंट्स की बुक लाया हो या किसी भी सब्जेक्ट की लाया हो तो अकाउंट्स की दे दो, अगर लाए हो तो, अच्छा एडवांस अकाउंट्स। हम लोग एक ऐसी टेक्निक देखने जा रहे हैं जिसमें लगभग लगभग ऑन एन एवरेज 24 के 24 घंटे आपकी ग्रिप सारे सब्जेक्ट्स पर होंगी। क्या जो मैंने अपने लिए यूज़ की थी वो टेक्निक है, मैं क्या करता था, एक पेज ले लेता था, ये आज भी अगर तुम लोग ये देखना चाहते हो कि किस तारीख को मैंने कितने घंटे कौन सी सब्जेक्ट और कौन से क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आज भी मैं वो रिकॉर्ड दिखा सकता हूँ कि अगर 10 अक्टूबर 2001 को 2002 को मैंने कौन सी सब्जेक्ट कितने घंटे पढ़ी थी और कितने न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, आज भी मेरे पास है। तो अगर मैं कहूँ ये हमारा एक कॉपी बन गया, ऐसे कॉपी बना लेना, कोई भी कॉपी दो, एक कॉपी बना लेना और ये कॉपी हमेशा ओपन रहे, तुम्हारी स्टडी टेबल होती है ना वहाँ पर हमेशा ओपन रहे, ये ऐसे, ये हमेशा ओपन रहनी चाहिए, ऐसे पड़ी रहनी चाहिए किनारे, और उसमें तुम लोग लिखोगे फ्रॉम 2 आवर्स सब्जेक्ट एंड टॉपिक्स। अब मान लो सुबह हम आए अकाउंट्स पर बैठे,
ठीक है ना? जैसे ही हम बैठेंगे हम टाइम देख लेंगे, सुबह के 10 बज रहे हैं, उसके बाद किनारे कर दो इस कॉपी को, 10 बजे लिख करके किनारे, ये पहले से ही रूलिंग करके रखे हो तुम लोगों ने, लाइंस बना कर रखे हो, किनारे कर दो, सोचना बेकार है। जब तक पढ़ने का मन करे अकाउंट्स पढ़ते रहो, 12 बज जाए, 1 बज जाए, 2 बज जाए, 3 बज जाए, ये मत देखना कि दूसरी सब्जेक्ट का टाइम खराब हो रहा है। जब तक मन कर रहा है हम उस सब्जेक्ट को ध्यान देंगे। अब जाहिर सी बात है किसी भी सब्जेक्ट पर आदमी 2 घंटे या 3 घंटे ही बैठ सकता है, उससे ज़्यादा उसका दिमाग फिर डाइवर्ट होने लगता है। मान लो हम 12:30 बजे तक बैठे, बस लिख करके छोड़ दो, दूसरी सब्जेक्ट मैंने उठाई, लॉ, अभी मैंने 1:30 बजे पिक की थी, मम्मी ने नीचे से आवाज़ दे दी 15 मिनट के अंदर, बस उठे और मैंने 1:45 लिख दिया, बस लिख दिया, पढ़ाई शुरू हुई थी और 15 मिनट के अंदर मम्मी ने आवाज़ दे दिया, पापा ने आवाज़ दे दी, या कोई काम आ गया, दोस्त आ गया बुलाने, दोस्तों को तो बिल्कुल दुश्मन समझना, जाना भी मत, है कि नहीं? सुनो इधर, और सही बता रहे हैं, फेल कराने वाले आधे बच्चे इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो दोस्तों के साथ रहते हैं। तो 1:30 से 2:15 फिर आकर के बैठे, दोबारा बैठने में 3 बज गया, काम करने खत्म करने में 3 बज गया, 4 बजे तक बैठे, अपना किनारे कर लिए, लिख करके बस किनारे, ज़्यादा इसको ध्यान मत दो, ये कॉपी बनती रहेगी, तुम्हें तुम्हारा टाइम पता चलता रहेगा, तुमने कितने घंटे की स्टडी दिन भर में की। रात को जब सोने जाओगे तो सोने जाने से पहले बस इसका टोटल कर लेना, जितना भी टाइम यहाँ आएगा, मान लो 7 आवर्स आए तो 7 आवर्स का 80%, यानी 5.5 घंटे नियर अबाउट मान लो कि तुमने आज दिन भर की पढ़ाई की, 20% तो वार्म अप होने में हो जाता है, पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट को समझने में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, बंद करने से पहले दिमाग दूसरी तरफ डाइवर्ट हो गया, 20% वो टाइम हटा लो, इज इट क्लियर? यानी जितना भी टाइम आप देते हो उसका 70 या 80% ही आपका प्रोडक्टिव होता है, बाकी बेकार होता है। बोलो, इस पर भी नहीं जा रहा है दिमाग? जा रहा है। ये हो गया आपका डेली का शेड्यूल, ये आपको हमेशा बताएगा आप कितने घंटे पढ़ते हो, और हमेशा डराने का काम करेगा, क्योंकि आदमी रियलिटी से भागता है, सच्चाई से भागता है, और ये वो है जो आपको आपका आईना दिखाएगी हमेशा। जब भी इसको पलटोगे तो पता चलेगा इस पूरे हफ्ते में मैंने केवल 20 घंटे पढ़ाई की, और पास होने का सपना देख रहे हैं सीए सीएस सीएमए का, अरे हफ्ते में 20 घंटे पढ़ाई करके, अरे दिन में 24 घंटे होते हैं, लगभग लगभग आपके 160 घंटे महीने में, हफ्ते में कितने घंटे होते हैं, 144 घंटे शायद, 168, 168 आवर्स हुए, अच्छा, 6 दिन का हम गिन रहे थे, 7 दिन होते हैं हफ्ते में, 7 दिन का 168 आवर्स होता है, 168 आवर्स में आपने केवल 20 घंटे पढ़ाई की, 25 घंटे पढ़ाई की, आपको सच्चाई का सामना पता चल जाएगा, बाकी घंटे आपने या तो घूमने फिरने में या घर में या टीवी में देखने में लगाया, डर पैदा होता है। तो पहला तरीका तो ये हुआ। दूसरा सर, अगर मान लीजिए हमको अकाउंट्स की स्टडी करना बहुत फ़ायदा मिलेगा इससे, दूसरा जो एक टेक्निक है और ये हमेशा आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स पर ग्रिप रखेगा, मैं अगर बच्चों से ये बोलता हूँ कि मैं मंडे को स्टडी मैट सॉल्व करता था पूरा कॉस्ट एफएम का, किसका पूरा स्टडी मैट, तो बच्चे थोड़ा हंसते हैं, एक दिन में पूरा स्टडी मैट, हाँ वो भी 4 घंटे में, 8 बजे से लेकर 12 बजे तक में, ट्यूसडे को वशिष्ठ की एक किताब आती थी, सक्सेना वशिष्ठ, उसको हम सॉल्व करते थे लगभग 8 बजे से लेकर 12 बजे के अंदर, पूरा किताब खत्म हो जाता था। वेडनेसडे को एस एन माहेश्वरी की बुक आती थी, हम 8 बजे से लेकर के 12-1 बजे तक उस पूरी किताब को ख़त्म कर देते थे, यानी 6 दिन में 6 किताबें ख़त्म होती थी, संडे घूमने के लिए रखते थे, 6 दिन में 6 किताबें ख़त्म कर ली, ये उनके लिए जिनका कोर्स एक बार क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, रिविज़न फेज में। अब सोचो डेली जो बंदा 6 दिन में 6 किताबें ख़त्म करेगा, एग्जाम तक 2 महीने में कितनी बार रिविज़न हो जाएगा, एटलीस्ट 50 टाइम प्लस, होगा कि नहीं होगा? और अगर 50 टाइम्स आपने किताबें सॉल्व कर ली हैं तो एग्जाम में कौन सा ऐसा क्वेश्चन होगा जो उसके बाहर आएगा, पॉसिबल ही नहीं है क्या? हुआ भी यही, आना भी उसी से है। आ रहे हैं ना, कैसे होता था ये जरा वो देखते हैं, और अकाउंट्स कैसे पॉसिबल है कि हम इन चीजों को दिन भर अपने हाथ में रखें। अकाउंट्स भी ऐसे ही, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, अकाउंट्स की। आपके पास जो चैप्टर्स हैं, मैं बोल रहा हूं अगर कोई भूल जाएगा तो लास्ट में याद दिला देना, उसको मैंने कैटेगरी वाइज बांट दिया, ये हो गया MWF का शेड्यूल, ये हो गया TTS का शेड्यूल।
अगर ना मन करे, ठीक है ना, ये सर शेड्यूल बना सकते हो, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, तुम लोग की इच्छा है। करना क्या है, कोई भी दो दो दिन रख लेना। हमें एमलगमेशन के एक क्वेश्चन इसमें सॉल्व करना है, मंडे एंड वेडनेसडे में एक क्वेश्चन एमलगमेशन का। ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं, परचेस कंसिडरेशन निकालो, दो मिनट के अंदर निकाल करके बैठ गए, वो वाले क्वेश्चन नहीं। हम रिवीजन फेज की बात कर रहे हैं, और रिवीजन फेज का मतलब आपने पांच किताबें चुन ली हैं। कितनी किताबें? पांच किताबें अपने पास रखे हैं अकाउंट्स की, चार किताबें, तीन किताबें आपने अपने पास रखी हैं, और उन बुक्स में आपने एमलगमेशन के 10 क्वेश्चन छांट लिए हैं, उन पर स्टार या इस तरह हैश लगा दिया। अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो डबल हैश, अगर उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ट्रिपल हैश। अगर आपने एक स्टडी मैट चुन लिया, उसमें सारे के सारे स्टार लगा दीजिए, सिंगल स्टार, डबल स्टार, ट्रिपल स्टार, कुल मिलाकर अगर 25 क्वेश्चन होंगे एमलगमेशन में, तो टफ क्वेश्चन कितने होंगे तुम लोग बताओ? मैक्सिमम टफ क्वेश्चन कितने होंगे? मैक्सिमम टफ क्वेश्चन कितने होंगे? 10 होंगे मान लेते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया। और अगर आपने स्टडी मैट के 10 क्वेश्चन एमलगमेशन के किनारे कर लिए टफ टफ, अब दूसरी बुक अगर आपने किसी दूसरे ऑथर या राइटर की उठाई तो बताओ, अब अगर उसमें 25 क्वेश्चन है तो आपके लिए टफ क्वेश्चन कितने बचेंगे? दो, हार्डली दो या तीन, नॉट मोर देन दैट, क्योंकि 10 क्वेश्चन तो आपने टफ टफ ऑलरेडी पिक कर लिए एक बुक से। वो सेम क्वेश्चन आपको दूसरी बुक में भी मिलेंगे, उन क्वेश्चन को भूल जाओ। अब मुश्किल से उस नई दूसरी बुक में आपको दो या तीन क्वेश्चन नए दिखेंगे जो नए कंसेप्ट देंगे, आप उन पर स्टार लगा दो। तो आपके 10 क्वेश्चन इसमें, दो क्वेश्चन इसमें, तीसरी बुक में भी दो या तीन क्वेश्चन मिलेंगे, तीन क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन। अगर मैं ये 15 से 20 क्वेश्चन तैयार करे रहूं हमेशा, तो बताओ एग्जाम में इसके बाहर कोई क्वेश्चन आएगा? अगर टफ से टफ क्वेश्चन बनेगा तो इन्हीं 18-20 क्वेश्चन के अंदर बनेगा। सोचो एमलगमेशन की बात कर रहा हूं, सेम चीज आप सिंगल एंट्री में चले जाओ, सेम चीज आप एनपीओ में चले जाओ, अपना स्टार बना लो, कॉपी में नोट कर सकते हो तो वो भी नोट कर लो कि इस बुक से हमको इस चैप्टर का ये क्वेश्चन करना है, इस चैप्टर का ये क्वेश्चन करना है, इस चैप्टर का ये क्वेश्चन करना है, बात खत्म, लिस्ट सामने बन गई। अब जब अपना रिवीजन करने बैठो मंडे को, एमलगमेशन का क्वेश्चन सॉल्व करना है, तुरंत टिक लगा दो, क्वेश्चन नंबर 15 था उस पर टिक, ये रिवीजन हो गया। बात समझ में आई? जब दूसरी बार रिवीजन करोगे तो फिर से काट देना, तीसरी बार रिवीजन करोगे फिर से काट देना। अब बात समझ में आई? नहीं समझे तो पता चलेगा पर्टिकुलर क्वेश्चन मैंने कितनी बार रिवाइज किया। अगली बार क्वेश्चन फंसा ही नहीं, मान लो 10 दिन बाद तुम क्वेश्चन सॉल्व है, फालतू का क्वेश्चन में स्टार लगा दिया, तो बताओ कितने गधे थे, क्या थे? तो उस क्वेश्चन को यहाँ से डिलीट कर दो कि अब आगे से इस क्वेश्चन को देखेंगे ही नहीं, बेकार का क्वेश्चन स्टार में आ गया था। दो बार रिविजन करने के बाद कभी कभी नहीं लगता कि फालतू का क्वेश्चन है, रिविजन हो चुका है बहुत, तो उसको हटा दो उस लिस्ट से। अब क्या होगा, जब मंडे को बैठेंगे तो एमलगमेशन का इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन पिक करेंगे। सोचो 18 क्वेश्चन, और अगर ये 18 क्वेश्चन दिमाग में 24 घंटे अगर तुम्हारे रहे तो एमलगमेशन चैप्टर हमेशा रहेगा ना, दिक्कत क्या है? एमलगमेशन हो गया, ट्यूसडे में हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। है तो एमलगमेशन का ही भाई, है तो एमलगमेशन का ही भाई। एक दिन अगर एमलगमेशन हो गया, एक दिन अगर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो गया, तो दोनों चैप्टर्स के कंसेप्ट भी अपने हाथ में है और ग्रिप में है वो चैप्टर, टफ क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। हाँ, इधर सिंगल एंट्री का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सिंगल एंट्री और एनपीओ थोड़ा एक जैसा ही होता है, सिंगल एंट्री और एनपीओ के कंसेप्ट क्या होते हैं, तो सिंगल एंट्री अगर उधर रखेंगे तो एनपीओ हम इधर रखेंगे। एक क्वेश्चन एनपीओ का टफ। अच्छा, अगर मैंने एनपीओ यहां रखा है तो यहां पर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट रखेंगे, क्या रखेंगे, क्या रखेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट रखेंगे। और अगर कैश फ्लो एनपीओ है तो इधर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी रखेंगे, क्या रखेंगे, बैलेंस शीट वाला। कुछ कुछ एक ही जैसे हैं, ये चैप्टर अलग नहीं है, कंसेप्ट सबका एक है, फॉर्मेट बदल गया है केवल। क्या बदला है? फॉर्मेट बदला है, फॉर्मेट के अलावा कुछ भी नहीं बदला है, बोलो ना, हाँ या ना। अच्छा, इसके अलावा हायर परचेज, अगर मैंने हायर परचेज यहां पर रखा है तो यहां पर, अच्छा एक और बात बताओ, एनपीओ कैश फ्लो, चलो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हटा देते हैं, हम यहां पार्टनरशिप रख देते हैं। अच्छा, पार्टनरशिप और सिंगल एंट्री बहुत कुछ एक जैसा होता है, यहां पर रख लो, बात समझना। पार्टनरशिप में कई सारे क्वेश्चन सिंगल एंट्री में पार्टनरशिप के मिल जाते हैं, मिलते ही हैं, तो उसको अलग रख लो, यहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी ही रहने दो। और कौन सा चैप्टर है तुम लोग का आता है? एवरेज ड्यू डेट,
संडे बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, एवरेज ड्यू डेट संडे को, अकाउंट करेंट संडे को, इंश्योरेंस क्लेम इधर रख दो, और बोलो सेल बैलेंसिंग बोलने दो, और बोलो सेल बैलेंसिंग एएस को किनारे करो, और इन्वेस्टमेंट एक क्वेश्चन बचा, और प्री एंड पोस्ट, तो प्री एंड पोस्ट इधर चला जाएगा, और बोलो बस ना, बस ना, यही था अकाउंट तुम लोग का, बस बचा क्या, एएस रख लेना, एएस रख लेना। अब बताओ कितनी देर लगेगी इन चार क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तुम लोग सीरियसली बताना कितनी देर लगेगी इन चार क्वेश्चन को सॉल्व करने में, फेयर नहीं, रफ, फेयर नहीं, रफ की बात मैं कर रहा हूं, रफ में क्वेश्चन सॉल्व करना है, फेयर नहीं बोल रहा। हाँ बताओ कितनी देर लगेगी, हार्डली एक, रफ करोगे, अच्छा थोड़ा और डिटेल में जाना है 1.5 घंटा, अरे बहुत ज्यादा बदकिस्मत होंगे 2 घंटे। तो अब जरा सोचो 2 घंटे की प्लानिंग करके तुम लोगों ने अकाउंट्स के सारे सब्जेक्ट अपनी ग्रिप में ले लिए, अभी मैंने 3 घंटा बोला था, 2 घंटे में तुम लोग के ये क्वेश्चंस खत्म खत्म हो गए। अब अगर तुमसे कोई बुधवार को कहेगा एमलगमेशन पढ़ो, तुम कहोगे हाँ, अगर शुक्रवार को पूछेगा अरे अभी तो पढ़ा था परसों, बता सकते हैं, क्योंकि कल इंटरनल पढ़ा था, उसके पहले एमलगमेशन पढ़ा था, कंसेप्ट दिमाग में हमेशा सेट है, नहीं है बोलो। तो इसका फायदा ये, हमेशा फायदा मिलेगा, कैटेगरी वाइज बना लिया, 24 के 24 घंटे सारे चैप्टर्स के कंसेप्ट होंगे, हायर परचेस कोई पूछेगा आप नहीं बता सकते, अरे कल ही परसों तो किया था, आज ही तो किया था, या कल करना है, आज किया था पर कल किया था, आज करना है, जो भी हो, ये आपके सारे चैप्टर्स आपके दिमाग में रहेंगे। ये छोटे छोटे फालतू के चैप्टर मैंने एक साथ रख दिए, चार चार पाँच पाँच क्वेश्चन उठाओ खत्म कर लो, किनारे करो, चार चार पाँच पाँच क्वेश्चन उठाओ खत्म कर दो, टाइम इसमें नहीं लगता। अब आते हैं सर प्रैक्टिस, एक क्वेश्चन उठाओ इसके अलावा कोई भी बढ़िया किसी भी चैप्टर का, फेयर सॉल्व करो, क्या करो, एक क्वेश्चन, अब चाहे एमलगमेशन का उठा लो, फॉर्मेट ऐसा नहीं है कि आज तैयार किया तो 3 दिन बाद भूल जाएगा, अगर आज मैंने फेयर किया है तो 10 दिन बाद भी वो फॉर्मेट दिमाग में रहता है, एक क्वेश्चन उठाओ फॉर्मेट देख लो कंप्लीट, एक क्वेश्चन फिर से उठाओ अगली बार किसी और चैप्टर का, फॉर्मेट पूरा करो, एक दिन में एक क्वेश्चन फॉर्मेट के साथ सॉल्व करो, नहीं मन कर रहा है दो कर लो, उससे ज़्यादा मत करो। अब बात समझ में आई, आराम से आपका 3 घंटे के अंदर पूरा का पूरा अकाउंट एग्जाम तक विद रिवीजन चलता रहेगा बिना किसी प्रॉब्लम के। अगर 15-15 दिन का शेड्यूल बनाओगे तो वो इम्पॉसिबल है कि एग्जाम के दिन तक आपका कोर्स खत्म होगा, लेकिन इससे तो बिना किसी टेंशन के आपका सारा का सारा सब्जेक्ट ग्रिप में होगा, और अगर किसी दिन पढ़ाई नहीं हो पाई मेहमान के आने की वजह से तो शायद एक दिन का नुकसान होगा, बाकी सारे चैप्टर आपके रिवीजन होते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उसका। बात समझ में आई। इसी तरह अगर हम कॉस्ट की बात करें, सेम यही फंडा, 4 किताबें अपने पास रख लो, 3 किताबें अपने पास रख लो, स्टार लगा लो, और इसी तरह चैप्टर्स को क्या करो, बांट लो, इस दिन मटेरियल करेंगे, लेबर करेंगे, ओवरहेड करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट का एक क्वेश्चन करेंगे, प्रोसेस का एक क्वेश्चन करेंगे, हाँ ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट का एक क्वेश्चन करेंगे, यहाँ ऑपरेटिंग का एक क्वेश्चन करेंगे, स्टैंडर्ड का डेली एक क्वेश्चन करेंगे, चलो 4 दिन कर लिया, मार्जिनल के क्वेश्चंस करेंगे, डेली एक क्वेश्चन मार्जिनल का करेंगे, ये टफ क्वेश्चंस है ना, ये तो हमेशा तैयार होना चाहिए आप लोगों का, तो स्टैंडर्ड और मार्जिनल का डेली एक एक क्वेश्चन सॉल्व करो ही करो, बढ़िया वाला, किसी दिन छूट भी जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऑपरेटिंग हो गया, इंटीग्रेटेड हो गया, एक चैप्टर और बचा है, चलो कॉस्ट शीट वगैरह जो भी, बहुत है इतना हो गया। बताओ कितनी देर लगेगी इन 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, 1.5 घंटे या 2 घंटे, एक क्वेश्चन को पूरी तरह फेयर करना, बढ़िया से 2 क्वेश्चन फेयर करना, बाकी सब क्वेश्चन रफ पर सॉल्व करना जल्दबाजी वाला, और केवल वही क्वेश्चन पिक करना जो फंसते हैं, जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आ चुके हैं, जिनके में कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा मिले। कितने क्वेश्चन तुम लोग को लगता है मार्जिनल में, स्टडी मैट में कितने क्वेश्चन टफ होंगे, हमें लगता है 3 या 4 से ज़्यादा पिक नहीं करोगे, या 5 क्वेश्चन स्टडी मैट, पीएम से 4 या 5 बहुत ज़्यादा हो गया, और बाकी कोई एक और 2 बुक ले लोगे तो उसमें भी 10 क्वेश्चन आएंगे, उससे ज़्यादा नहीं आएंगे, सोचो 20 क्वेश्चन, और डेली मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ तो लगभग 10 दिन के अंदर तो आपका मार्जिनल आपके हाथ में रहेगा, टफ वाले क्वेश्चन आप डेली सॉल्व कर रहे हैं, समझे मेरी बात, ये टेक्निक है। सेम यही चीज़ आप ले आएंगे टैक्स में, सेम यही चीज़ आप ले आएंगे
टैक्स में एक चीज़ याद रखना, डिडक्शन और कॉम्प्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम का डेली एक क्वेश्चन सॉल्व करो, बाकी जो करना हो सैलरी हाउस प्रॉपर्टी करते रहो इस तरह से, लेकिन कॉम्प्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम का डेली एक क्वेश्चन लास्ट एग्जाम तक सॉल्व करो, सारे चैप्टर तुम्हारे ग्रिप में रहेंगे। कॉम्प्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम का डेली एक क्वेश्चन सॉल्व करो, सारे चैप्टर ग्रिप में रहेंगे, क्योंकि उसको करने के लिए आपके सारे चैप्टर क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, और अगर क्लियर नहीं है तो वहाँ उस समय कंसेप्ट पीछे जाकर देखने से बड़ा फायदा मिलता है। बात समझ में आई? ये तरीका है एग्जाम तक अपनी प्लानिंग करना। एग्जाम तक विश्वास रखो कभी किसी रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम के एक महीने पहले, अब थ्योरी तो तुम लोग देखोगे डेली एक घंटा तो थ्योरी, चाहे अकाउंट्स की हो चाहे कॉस्ट की हो एफएम की हो, एक घंटा तो देना पड़ेगा। वो मैंने बोला है रात को सोते समय, सोने जाते समय से पहले एक घंटा अगर किसी बच्चे ने लिखने की आदत नहीं डाली तो एग्जाम में उसका कुछ नहीं हो सकता। मैंने एग्जाम्पल तुम लोग को शायद बताया था लिखने का फ़ायदा कैसे मिलता है। हम अपना एग्ज़ाम देने जा रहे थे सी ए फाउंडेशन, उस समय था सीपीटी नहीं था, लॉ पूरा तैयार था। मेरी बड़ी दीदी ने कहा कि तैयार है, मैंने कहा हाँ, अरे पूछो कुछ भी, ऐसे ही हंसते हंसते मैंने दे दिया। तो उन्होंने कहा चलो ये बताओ कंसेप्ट, पूरा पट 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 बता दिया, रट्टा था बिल्कुल। अब बच्चे थे तो कहीं कितनी देर में लिख लोगे, अरे दीदी 15 मिनट बहुत है, कहीं लिख कर दिखाओ। 45 मिनट लग गया और राइटिंग बहुत ही बेकार, 45 मिनट में ढंग से मैं नहीं लिख पाया। और उस दिन हमको समझ में आया, एग्ज़ाम में 1.5 महीने शायद बचे हुए थे, उस दिन हमको समझ में आया लिखने का फ़ायदा क्या होता है। उस दिन से मैंने लिखा सीए फाइनल, जब तक मैं पास नहीं हुआ डेली एक घंटा मैं लिखता था रात को सोते जाते से पहले, जितना भी पढ़े हो थ्योरेटिकली एक घंटा लिखो, चाहे लॉ पर लिखो चाहे कॉस्ट की थ्योरी लिखो, कुछ भी लिखो, लिखो जरूर। और उसका फ़ायदा एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, आपका क्वेश्चन पेपर 3 घंटे में नहीं 15 मिनट पहले ख़त्म हो जाता है, आराम से ख़त्म होता है। 3 घंटे का पेपर नहीं होता, थोड़े कम समय का होता है। जो बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते साल भर, हाथ में जंग लगी हुई है, हाथ में जंग लगी और एग्ज़ाम के तुम चाहोगे पूरी वर्जिश एक ही 3 घंटे में कर दो तो हाथ तो बेचारा दर्द करेगा ना। 1 घंटे बाद फिर लिखते हैं, फिर ऐसे ऐसे करते हैं, फिर लिखते हैं, क्या है क्या नौटंकी है ये, आपकी स्पीड ही नहीं बन पाएगी। स्पीड बन पाएगी? स्पीड नहीं बन पाएगी। वो जब डेली लिखने की आदत डालोगे तो एग्ज़ाम में पहले क्वेश्चन से तुम्हारी स्पीड मेंटेन रहेगी, राइटिंग भी अच्छी होगी, लैंग्वेज बहुत रिफाइंड हो जाती है। जो आप एग्ज़ाम के दिन लिखते हो ना, आपको मालूम है कि किस सेंटेंस के बाद हमको कौन सा सेंटेंस यूज़ करना है, किस तरह की लैंग्वेज इन्फीरियर होती है और किस तरह की लैंग्वेज अच्छी लैंग्वेज होती है। पढ़ने से नहीं होता, लिखने से समझ में आता है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते, अच्छा ऐसे होते हैं, ऐसे बस बस हो गया, और जब घर जाकर सॉल्व करते पता नहीं कैसे होता है। बस वही अंतर है देखने और करने में, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो जब आप करने बैठते हो तब पता चलता है कि मैंने क्या गलतियाँ की और हम क्या गलत करते थे। केवल सोचते रहने से कि हमारी तैयारी हो, कई बच्चे कहते हैं तैयार तो हो चुका है, किताब कितना बार पढ़े, कर तो लिए हैं। अरे नहीं, लिखो तो समझ में आएगा कि अभी और कितनी कमी रह गई है, वो लिखने से पता चलता है। तो डेली एक घंटा सोने जाने से पहले डेली लिखने की आदत डालो, रामबाण काम करेगा, अचूक औषधि है, एग्जाम में पास हो जाओगे, ठीक है, काफ़ी फायदा मिलता है। तो ये 3 चीज़ें याद रखना, पहला जो मैंने बताया कॉपी पर अपना बना लेना, कॉपी 24 घंटे ओपन रहनी चाहिए, 24 घंटे एक बार भी बंद ना हो। कभी ये मत सोचना कि इसको ऐसे बंद कर दे, वो एक बार बंद तो फिर खुलेगी नहीं, क्योंकि आदमी सच्चाई से डरता है, जब हमेशा ओपन रहेगी तो सच्चाई का सामना करोगे, ठीक है ना, कभी बंद नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़, ये शेड्यूल इस तरह से बना लेना कि आज के दिन ये चैप्टर, आज के दिन ये चैप्टर, आज के दिन ये चैप्टर, और विश्वास मानो 10 दिन के बाद हमसे बोलना कि कितना फ़ायदा मिला 15 दिन के बाद, हर चैप्टर आपके दिमाग में होगा, ग्रिप में होगा। और तीसरा जो मैंने बताया, लिखने की प्रैक्टिस डेली एटलीस्ट 1 आवर, ठीक है। एग्ज़ाम जब आएगा उसके 1 महीने पहले फिर हम लोग देखेंगे क्या टेक्निक्स। थैंक यू बच्चों। थ्योरी के लिए, हाँ बोलो, थ्योरी के लिए ऐसे ही करना है, लिखने की आदत डालो। पढ़ने के लिए तो हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ने की आदत डालो। अब इसने कहा थ्योरी कैसे पढ़ेंगे, एक दिन मैंने बोनस एक्ट खत्म किया, एक दिन ग्रेचुटी एक्ट खत्म किया, एक दिन प्रोविडेंट फंड एक्ट खत्म किया, फिर एथिक्स और कम्युनिकेशन। अच्छा, थ्योरी के लिए मैं तुम लोग को बता दूं, सही चीज़ है, मैंने क्या किया हुआ था, डेली 1 घंटे में मेरा पूरा किताब ख़त्म होता था। कितनी देर में? अब फिर कहोगे मजाक है, 1 घंटे में पूरी किताब ख़त्म होती थी। टेक्निक क्या थी जरा वो भी सुन लो। हमने क्या किया हुआ था, कॉपी में सारे शॉर्ट नोट्स बनाए हुए थे। शॉर्ट नोट्स का मतलब शॉर्ट नोट्स होता है, किस तरह के शॉर्ट नोट्स, हर एक चैप्टर का शॉर्ट नोट बनाने में 40 मिनट लगता है, बमुश्किल 30, 35, 40 मिनट मैक्सिमम लगेगा शॉर्ट नोट्स बनाने में किसी भी चैप्टर का, चाहे तुम लोगों ने कभी पढ़ा हुआ हो या ना पढ़ा हुआ हो, तब भी बात कर रहे हैं।
आ रहे हैं। यहाँ पर आपने चैप्टर की टाइटल डाली, उसके बारे में दो तीन डेफिनेशंस जो अच्छी हों, जिनको रटना हो, डेफिनेशंस लिख ली, हेड पॉइंट्स, ये टॉपिक उसके हेड पॉइंट, ये टॉपिक उसके हेड पॉइंट, ये टॉपिक उसके हेड पॉइंट्स, हेड पॉइंट्स में बांट दो। अगर बुक में कोई हेड पॉइंट ना दी हो, इतना बड़ा पॉइंट दिया हुआ हो, दो दो पेजेस लिखे हुए हैं, पॉइंट नहीं दिए हैं, तो तुम एक काम करो, उसको पढ़ लो, उसको चार या पांच पॉइंट में डिवाइड कर लो पढ़ने के बाद, और वो पांच पॉइंट लिख लो। नहीं समझे? पांच पॉइंट बना लो। अगर किसी चीज के पॉइंट नहीं दिए हुए तो पॉइंट बना लो। कितनी देर लगेगी पॉइंट बनाने में? अंडरलाइन कर लो, इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ते पढ़ते उनके पॉइंट्स लिख लो। इसी तरह पूरी किताब का तुम पॉइंट बनाओगे, मुश्किल से 15 से 20 पेज में तुम्हारी पूरी किताब आ जाएगी, डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे के सारे, हर टॉपिक के, स्टडी मैट के हिसाब से। बेस किसको रखोगे? स्टडी मैट। भले ही तुम लोग रेफरेंस किसी और बुक का लोगे, लेकिन पॉइंट सारे कवर होने चाहिए स्टडी मैट के हिसाब से। चलो, अब 20 पढ़ने में तुम्हारी पूरी किताब, एक चैप्टर डेली एक दिन में नोट्स बना सकते हो? नहीं बना सकते। एक दिन में तो एक चैप्टर का नोट्स बना सकते हो ना। 15 दिन बाद देखोगे लगभग तुम्हारी एक किताब, या 20 दिन बाद, 25 दिन, तुम दर आलसी हो, एक महीने के अंदर तुम्हारी पूरी किताब लिखी हुई है। और इसको रटने में कितना देर लगेगा? रटने में, रटने में मगप करोगे तो कितना देर लगेगा? मुश्किल से 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, या डेली 5 5 मिनट दोगे, दैट इज मोर देन सफिशियंट फॉर योर वन चैप्टर। 5 मिनट के अंदर एक चैप्टर, 5 मिनट के अंदर रटने में 10 मिनट 15 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। एक बार अगर ये सारे पॉइंट्स तुम्हारे दिमाग में सेट हो गए 20 पन्ने, तो इसका मतलब पूरी दिमाग में क्या है? बुक आ गई। अब हमको केवल इसको एलोबरेट करना जानना है। क्या जानना है? नोट बन गए। अब तुम केवल एक चैप्टर उठाओ, डिटेल में पढ़ते जाओ, नोट से मिलाते जाओ, पढ़ते जाओ, नोट से मिलाते जाओ। अगर तुम्हें लगता है कोई पॉइंट छूट गया, फिर से इसमें इनकॉर्पोरेट कर दो। नहीं समझे? फिर से इसमें इनकॉर्पोरेट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब पढ़ते जाओ, नोट बनाते जाओ, रिवीजन डेली होगा ये पूरी किताब का, लेकिन कोई एक चैप्टर पिक करोगे डिटेल के साथ पढ़ने के लिए। रिवीजन पूरी किताब का डेली होगा, लेकिन किसी एक चैप्टर को पिक करोगे किससे? स्टडी मैट या बुक से पढ़ने के लिए। बात खत्म। और रात को सोने जाने से पहले 1 घंटे पहले तो लिखना ही है। समझ में आई बात? तो ये थ्योरी बहुत फायदा करता है, और बहुत ज़्यादा फायदा करता है। तो ये 3 4 चीज़ें यूज़ करना और हमको बताना कितना फायदा मिला। थैंक यू बच्चों।